हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेडियन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गटेशन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गटेशन क्या होता है, गटेशन किसके थ्रू होता है एंड गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो गटेशन की स्टार्टिंग करते हैं सबसे शुरुआत से कि सबसे पहले गटेशन को डिस्कवर किसने किया था। तो सबसे पहले गटेशन को डी बेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, डी बेरी नाम के साइंटिस्ट ने 1869 में गटेशन को डिस्कवर किया था। ठीक है, जो डी बेरी साइंटिस्ट थे उनके घर में एक बहुत बड़ा गार्डन था। ठीक है, और उस गार्डन में एक प्लेस ऐसा था जो हमेशा क्या रहता था, वेट एंड मॉइस्ट रहता था। ठीक है, और उस उन्होंने क्या देखा कि उस पे जो प्लांट ग्रो कर रहे थे, तो ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं थे बट हर्बेसियस प्लांट थे, हर्बेसियस फ्लावरिंग प्लांट ग्रो कर रहे थे उस वेट एंड मॉइस्ट प्लेस पे। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, डी बेरी साइंटिस्ट ने देखा कि उस प्लांट से, उस प्लांट की जो लीफ थी, ठीक है, ये उस प्लांट की लीफ है, एक सेकेंड, ऐसे कुछ लीफ है। ठीक है, और ये हो गई वेंस। ठीक है, एंड ये क्या है, लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन हो गई, और ये क्या हो गई, वेन। ठीक है, एंड ये पेटियोल, एंड दिस, ये क्या हो गया, लमाइना, एंड ये उन्होंने क्या देखा कि इस लीफ मार्जिन से, इस वेन के थ्रू क्या हो बाहर आ रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वाटर ड्रॉप। यहीं से तो डिस्कवरी हुई गटेशन की। तो ये उन्होंने क्या देखा कि वाटर ड्रॉप बाहर आ रही थी इस वेन के, लीफ मार्जिन के पास से। ठीक है, तो गार्डन के पास जो वेट एंड मॉइस्ट प्लेस था उसमें कुछ प्लांट्स ग्रो कर रहे थे, सिंपल हर्बेसियस प्लांट थे। उन्होंने क्या देखा कि उस प्लांट की लीफ में, लीफ से उन्होंने देखा कि उस प्लांट की लीफ मार्जिन से वाटर ड्रॉप बाहर आ रही है। ठीक है, उन्होंने उस वाटर ड्रॉप को लिया और चेक किया कि क्या ये सिंपल वाटर है या फिर इसमें वाटर के अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स हैं। तो जब इन्होंने देखा तो उन्होंने ये पाया कि इसमें ये जो वाटर ड्रॉप है, इसमें इस वाटर के अलावा बहुत सारे अदर एलिमेंट्स थे, जैसे कि वो एलिमेंट्स क्या थे, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड ग्लूकोज। ये सारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड थियामिन एंड राइबोफ्लाविन, ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट्स थे वो उनको उस वाटर ड्रॉपलेट में मिले। उन्हें वाटर, सिर्फ वाटर नहीं मिला, उन्हें वाटर के अलावा उस वाटर ड्रॉप में बहुत सारे एलिमेंट्स दिखे। ठीक है, तो ये था कि सबसे पहले डिस्कवरी कहाँ पे हुई, किसने डिस्कवरी की, और ये जो कहाँ पे गटेशन होता है, तो सिंपल हर्बेसियस प्लांट में गटेशन होता है, और कैसे होता है हमने आपको बताया। ये जो वाटर निकल रहा है, ये जो यहाँ पे जो स्पेस है, ठीक है, इसे बोलेंगे हाइडेथोर्स। ये जो वाटर लीफ से बाहर आ रहा है, तो हाइडेथोर्स के थ्रू ये वाटर बाहर आ रहा है। ओके, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। जब वाटर ड्रॉप हाइडेथोर्स के थ्रू बाहर आता है, तो इसी फिनोमेना को हम गटेशन बोलते हैं। सबसे पहले गटेशन को डी बेरी ने 1869 में डिस्कवर किया था। ठीक है, अब हम आगे थी कहानी की, कैसे कैसे गटेशन डिस्कवर हुआ। अब हम पॉइंट वाइज इसे पढ़ते हैं गटेशन। तो अभी हमने स्टोरी जानी कि गटेशन किसने डिस्कवर किया एंड कैसे होता है, किस प्लेसेस पे होता है, किस टाइप के प्लेसेस पे होता है, जैसे कि मॉइस्ट प्लेस पे जो प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, बेसिकली जो प्लांट हर्बेसियस होते हैं उनमें गटेशन होता है। ठीक है, और वो प्लांट मॉइस्ट प्लेस पे ग्रो करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं गटेशन पॉइंट वाइज, ठीक है, जो आपको याद रखना है और एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो गटेशन क्या होता है, दी हर्बेसियस फ्लावरिंग प्लांट ग्रोविंग इन मॉइस्ट प्लेसेस पजेस स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एट द वेन एंडिंग मार्जिन्स ऑफ लीफ कॉल्ड हाइडेथोर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, सेम वैसा ही लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जो गटेशन होता है वो जो हर्बेसियस फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, उसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और वो स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर कहाँ होता है, लीफ की मार्जिन्स पे। ठीक है, जहाँ पे वेन एंड करती है, जहाँ पे वेन, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, जहाँ ये देखिए, ये लीफ की मार्जिन है, यहाँ पे जो वेन एंड कर रही है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइडेथोर्स कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं, द वाटर एग्जिटेट्स थ्रू हाइडेथोर्स
इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स, दिस फिनोमेना कॉल्ड गटेशन। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रेथ्रोट्स हैं उसमें से स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट बाहर आता है, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम गटेशन बोलते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है एंड यहाँ पे लिखना है यह हमने क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गटेशन किया है। ठीक है, एंड इस डायग्राम को समझते हैं। तो ये एक लीफ है प्लांट की, ये पेथियोल है, ठीक है, ये लमाइना है एंड ये वेन है। ठीक है, एंड यहाँ से वेन के एंड से क्या बाहर आ रहा है, वाटर ड्रॉप बाहर आ रहा है। ठीक है, आप देख लेते हैं ये जो वाटर ड्रॉप बाहर आ रहा है वो सिंपल लिक्विड है, वो सिंपल वाटर है, या फिर उसमें कोई अदर एलिमेंट्स में। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें क्लियर कर देगा कि ये जो वाटर ड्रॉप है उसमें कोई एलिमेंट है या फिर वो सिंपल वाटर है। ठीक है, द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ हाइड्रेथ्रोट्स इज नॉट प्योर वाटर, यानी कि जो लिक्विड इस हाइड्रेथ्रोट से बाहर आ रहा है वो प्योर वाटर नहीं है। ठीक है, बट अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नंबर ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस, बट एक सॉल्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ डिजॉल्व यानी कि बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंस हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, थियामिन एंड राइबोफ्लाविन। ये सारे सब्सटेंस इस ये जो सॉल्यूशन यहाँ से बाहर आ रहा है उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द हाइड्रेथ्रोट्स रिमेन कनेक्टेड विद द वेन्स, जो हाइड्रेथ्रोट्स होता है, इस डायग्राम को देखिए, ये हाइड्रेथ्रोट्स है, जो हाइड्रेथ्रोट्स होता है वो वेन से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो वह यही लिखा है यहाँ पे, द हाइड्रेथ्रोट्स रिमेन कनेक्टेड विद द वेन्स, बात सही है। ठीक है, ईच हाइड्रेथ्रोट्स ओपन टू द एक्सटीरियर बाई मीन्स ऑफ अ पोर कॉल्ड स्टोमा, जो हाइड्रेथ्रोट्स होता है वो बाहर, ठीक है, एक्सटीरियर में एक ओपनिंग से ओपन होता है जिसे हमने बोला स्टोमा। ठीक है, द स्टोमा इज सराउंडेड बाई टू गार्ड सेल्स, जो स्टोमा है वो टू गार्ड सेल्स से सराउंडेड रहता है। ठीक है, एंड ओपन इंटरनली इन टू एन एयर चैम्बर, ये जो स्टोमा है वो टू गार्ड सेल्स से सराउंड रहता है और ये इंटरनली यानी कि अंदर की ओर ये एयर चैम्बर से ओपन होता है, अंदर की ओर ये एयर चैम्बर में ओपन होता है। ठीक है, जस्ट बिलो द एयर चैम्बर, यानी कि ये एयर चैम्बर है उसके जस्ट बिलो, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, जस्ट बिलो द एयर चैम्बर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस कॉल्ड एपिथेम। ये जो एयर चैम्बर के जस्ट नीचे वाला जो स्पेस है वो क्या है, ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटल सेल्स हैं, ये पैरेन्काइमेटल सेल्स हैं। और आपको पता है कि जो पैरेन्काइमेटल सेल्स होती हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, खास बात होती है पैरेन्काइमेटल सेल्स की। ठीक है, तो ये जो स्पेसेस हैं उन्हें बोला गया इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, जिन्हें हमने क्या बोला है, जिससे हमने बोला है एपिथेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ओपन जस्ट बिहाइंड द एपिथेम, ये जो एपिथेम है उसके जस्ट बिहाइंड जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ओपन होते हैं। आगे पॉइंट क्या है, द लिक्विड मूव फ्रॉम जाइलम एलिमेंट इनटू द सेल्स ऑफ एपिथेम एंड देन एक्सिट्स थ्रू स्टोमा, ये जो लिक्विड है, ठीक है, ये जो लिक्विड है वो जाइलम एलिमेंट से मूव करता है और एपिथेम में आता है और फिर ये स्टोमा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, दिस फिनोमिना ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव रूट प्रेशर, और ये जो गटेशन का फिनोमिना है वो जब पॉजिटिव रूट प्रेशर डेवलप हो जाता है तब ये फिनोमिना ऑफ गटेशन होता है। अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव रूट प्रेशर कैसे डेवलप होता है एंड कब डेवलप होता है। तो जब सॉइल की कंडीशन वाटर अब्जॉर्प्शन को ज़्यादा फेवर करती है, यानी कि जब सॉइल में बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है और जो एटमॉस्फेयर में जिसमें वो प्लांट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, तब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाने से, ट्रांसपिरेशन तो कम हो गया, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है। ठीक है, यानी कि वो प्लांट जो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसको निकाल भी रहा है। ठीक है, लेकिन जब ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है तब क्या होता है कि वाटर तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, लेकिन वो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, कम हो रहा है तो निकाल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है कि पॉजिटिव रूट प्रेशर डेवलप हो जाता है। रूट प्रेशर इसलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि वो जो प्लांट है वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, लेकिन ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसे निकाल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में पॉजिटिव रूट प्रेशर डेवलपमेंट हो जाए एंड उसके बाद क्या हो जाता है, ये गटेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, गटेशन बेसिकली हमें हर्बेसियस प्लांट में देखने को मिलता है, खासकर मॉर्निंग के टाइम अगर आपने इन प्लांट्स को देखा हो, ग्रासेस को, तो उसमें से क्या है, वाटर ड्रॉप बाहर निकलती हुई हमें दिखाई देती है, तो किसके थ्रू होता है, वो गटेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, तो हर्बेसियस प्लांट लाइक ग्रासेस, नस्टर्शियम, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल एंड एलोकेसिया, इन सभी प्लांट में हमें गटेशन देखने को मिलता है। आई होप आपको गटेशन समझ में आ गया होगा। टू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।